हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज हम एक नॉर्मल सेविंग नीडल से इजी एंड ग्रैंड ब्राइडल साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, साड़ी जो है ब्लू कलर और इसका बॉर्डर और पल्लू रेड कलर का है, देख सकते हैं पल्लू रेड कलर है, सिल्वर जरी है। सो हमने यहाँ पे 90 स्ट्रैंड्स ऑफ रेड कलर का सिल्क थ्रेड लिया है। एक और नीडल में हमने 90 स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लू कलर का सिल्क थ्रेड लिया है, 6 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है। उसके बाद नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ गोल्डन कलर का कॉटन थ्रेड लिया है। नेक्स्ट हमने स्क्वायर बीड्स लिए हैं 10 ग्राम्स। फ्रेंड्स, इन स्क्वायर बीड्स के बदले में आप राउंड या फिर ओवल शेप के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर जरी है, सो हमने यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज के सिल्वर बीड्स लिए हैं। ये 1 mm के सिल्वर बीड्स हैं, हमें ये टोटल 20 ग्राम्स लेने हैं। फ्रेंड्स, अब आप इन सभी सारी कुचू मटेरियल्स और सो कुचू नीडल्स को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं कविता एंटरप्राइजेस से। उस शॉप का एड्रेस, वेबसाइट का लिंक, ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। सभी टाइप सारी कुचू मटेरियल्स को आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लेके एक नॉट डाल लेना है, एक स्क्वायर बीड लेना है। स्क्वायर बीड में से नीडल को पास करते हुए कॉटन थ्रेड के इस नॉट में से नीडल को पास करके एक और नॉट बनाना है। इस बीड के ऊपर इस थ्रेड को अच्छे से सिक्योर कर देना है। नेक्स्ट हमें नीडल में स्मॉल साइज के 3 बीड्स लेने हैं। फिंगर में धागा फोल्ड करते हुए इस बीड में से दोबारा से नीडल को पास कर लेना है और तीनों बीड्स को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लाना है। ये जो थर्ड वाला बीड है, इस बीड में से नीडल को हमें पास कर लेना है और इन तीनों बीड्स को हमें अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। उसके बाद फिर से हमें 2 बीड्स लेने हैं। इस बीड में से नीडल को पास करते हुए इन दोनों बीड्स को भी हमें नीटली ट्रायंगल शेप में सेट कर लेना है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमें ये जो सेकेंड वाला बीड है, इस बीड में से नीडल को वापस पास कर लेना है और इन बीड्स के नज़दीक इन दोनों बीड्स को भी अच्छे से अटैच कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें 2 बीड्स लेने हैं। फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस स्क्वायर बीड में से नीडल को पास कर लेना है और इन बीड्स को भी नीटली ट्रायंगल शेप में लाना है। ये बीड्स इस तरीके से आएंगी। लास्ट वाला ये जो बीड है, इस बीड में से दोबारा से नीडल को पास करके इन बीड्स को नीटली सेट करते हुए ये जो 2 बीड्स हैं, इन दोनों बीड्स के सेंटर में नीडल को पास करते हुए यहाँ पे हमें अच्छे से टाइटली एक नॉट बनाना है। सेम प्लेस में से दोबारा से नीडल को पास करते हुए एक और नॉट बनाना है। इस तरीके से हमें इन बीड्स को बहुत ही टाइट और नीट सेट करते हुए स्टिच करना है। ऊपर वाले ये बीड में से नीडल को पास करते हुए एक और नॉट बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में 4 बीड्स और सेकेंड लाइन में 3 बीड स्टिच किए हैं। इस सेकेंड वाले बीड में से नीडल को पास करते हुए एक्स्ट्रा इस कॉटन थ्रेड को हमें कट कर लेना है। फिर से हमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लेके एक नॉट डाल लेना है। ये जो बीड्स हमें स्टिच किए हुए हैं, इसके ऑपोजिट साइड यहाँ से नीडल को पास कर लेना है। कॉटन थ्रेड के इस नॉट में से दोबारा से नीडल को पास करते हुए इस थ्रेड को अच्छे से अटैच कर देना है। फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए नीडल में हमें स्मॉल साइज के टोटल 3 बीड्स लेने हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ स्टार्टिंग में हमें 3 बीड्स लेने हैं। उसके बाद फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस बीड में से नीडल को पास कर लेना है। इन तीनों बीड्स को नीटली ट्रायंगल शेप में सेट करते हुए ये जो थर्ड वाला बीड है, इसमें से हमें दोबारा से नीडल को पास कर लेना है और इन तीनों बीड्स को अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। नेक्स्ट हमें जैसा अनदर साइड हमने बीड स्टिच किए हुए हैं, उसी तरीके से इस साइड भी 2-2 बीड्स हमें स्टिच करने हैं। फ्रेंड्स, मैंने नॉर्मल सेविंग नीडल से और भी ब्राइडल साड़ी कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, उनमें से जो लेटेस्ट है उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगे। इस बीड में से दोबारा से नीडल को पास कर लेंगे। हमने यहाँ पे टोटल 5 बीड स्टिच कर लिए हैं। लास्ट में हमें 2 बीड्स लेने हैं। इन दोनों बीड्स को भी इन बीड्स के नज़दीक स्क्वायर बीड में से नीडल को पास करते हुए ट्रायंगल शेप में लाना है और नीटली सेट कर लेना है। लास्ट वाला ये जो बीड है, इस बीड में से नीडल को पास कर लेंगे और यहाँ पे
ये जो दो बीड्स हैं, इन दोनों बीड्स के सेंटर में से नीडल को पास करते हुए अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। फ्रेंड्स, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ब्यूटीफुल सिल्क थ्रेड लटकन्स बना सकते हैं। उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। ऑल्सो ये जो हमने साइड में बीड्स स्टिच किए हुए हैं, विदाउट बीड्स भी सिंपल एंड ईजी एक और टाइप का साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। वो दोनों वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, हमने फर्स्ट लाइन में 4 बीड्स और सेकेंड लाइन में 3 बीड स्टिच कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें इस बीड में से नीडल को पास करते हुए एक्स्ट्रा इस कॉटन थ्रेड को कट कर लेना है। ये एक बीड हमने स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हमें एक साड़ी के लिए मिनिमम 30-35 पीसेस बनाने हैं। और अब नेक्स्ट हमें इन्हें पहले पल्लू पे स्टिच करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें साड़ी को पिको कर लेना है, उसके बाद इस टेप और मार्कर की मदद से पल्लू पे एवरी 1.5 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करना है। नेक्स्ट हमें फिर से 1.5 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करना है। इसी तरीके से हमें पूरे पल्लू पे 1.5 इंच की डिस्टेंस पे मार्क करना है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच के डिस्टेंस पे भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लेना है। ये जो हमने मार्क किया हुआ है, इस मार्क के बैक साइड से नीडल को पास करते हुए कॉटन थ्रेड के इस नॉट में से दोबारा से नीडल को पास कर लेना है और इस थ्रेड को अटैच कर लेना है। उसके बाद ये जो इस बीड को लेना है, इस बीड में से नीडल को पास करते हुए इसे पल्लू के नज़दीक नीटली हमें स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, इस स्क्वायर बीड और पल्लू के बीच में हमें बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। नीटली पल्लू के नज़दीक हमें स्क्वायर बीड्स को स्टिच कर लेना है और यहाँ पे एक दो नॉट्स बनाने हैं। फिर से हमें इन थ्रेड्स में से नीडल को पास करते हुए एक और नॉट बनाना है। एक्स्ट्रा इस कॉटन थ्रेड को कट कर लेना है। इसी तरीके से हमें इन बीड्स को स्टिच करना है। नेक्स्ट हमें कोई भी एक थिक नीडल या फिर क्रोशा लेना है। जहाँ पे हमने इस बीड को स्टिच किया हुआ है, इसके थोड़े से ऊपर से इस क्रोशा नीडल को हमें पास करते हुए एक होल बनाना है। ये जो हमने बीड स्टिच किया हुआ है, इसके थोड़े से ऊपर से नीडल को पास करके इस तरीके से हम एक होल बनाएंगे। नेक्स्ट हमें 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है। पहले हमें स्क्वायर बीड में से नीडल को पास करते हुए बैक साइड से जो हमने ये होल बनाया हुआ है, इसमें से नीडल को पास करते हुए इन सिल्क थ्रेड को नीट कर लेना है और फ्रंट साइड लेना है। फिर से इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए धागे को हम खींच लेंगे। नेक्स्ट हमें ये जो स्क्वायर बीड है, इस स्क्वायर बीड को और इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए ये जो सिल्क थ्रेड है, इन सिल्क थ्रेड को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सेंटर में से नीडल को पास कर लेना है और इन सिल्क थ्रेड नीडल को बैक साइड लेना है। इस तरीके से दोनों साइड से हमें इन सिल्क थ्रेड को पहले नीट कर देना है। ये डिज़ाइन सेंटर में इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमें इन जरी थ्रेड लेना है। जरी थ्रेड को इन सिल्क थ्रेड्स के बैक साइड से पास करते हुए इन सभी सिल्क थ्रेड को अच्छे से टाई कर देना है। फ्रेंड्स, साड़ी का जरी यहाँ पे सिल्वर कलर है, सो हमने सिल्वर कलर के स्मॉल साइज के बीड्स और सिल्वर जरी यूज़ किया है। इनके बदले में गोल्डन बीड्स, एंटिक बीड्स, ऑल्सो पर्ल्स भी यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये डिज़ाइन टोटली न्यू एंड डिफरेंट डिज़ाइन है। नेक्स्ट हमें इस जरी थ्रेड के साइड में से नीडल को पास कर लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा इस जरी थ्रेड को हम कट कर लेंगे। और अब नेक्स्ट हमें इन सिल्क थ्रेड को नीट करते हुए एक्स्ट्रा इन सिल्क थ्रेड को भी कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ब्लू कलर की दो और रेड कलर के एक एक टैसल्स बनाते हुए वर्क को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने सभी टैसल्स बनाते हुए वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।